ड्रैगन बॉल हीरोज सीरीज की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो कि एक प्रमोशन के लिए बनाई गई है। इसके अभी तक कुछ ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं और ये बहुत ही स्लो स्पीड से आगे बढ़ रही है, जैसे हमारे डेथ नोट की सीरीज। पहले हमने डिसाइड किया था कि सीरीज को पूरा होने देते हैं, इसके बाद इसे पिक करेंगे, लेकिन ये इतनी स्लो चल रही है कि हम और वेट नहीं कर सकते। तो अभी तक जितनी भी स्टोरी आगे बढ़ी है हम उतना ही कवर करेंगे कुछ पार्ट्स में, और इस वीडियो में हम प्रिजन प्लेनेट सागा कवर करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बीरस के प्लेनेट पर गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी वहां फ्यूचर माए आ जाती है और सबको बताती है कि ट्रंक्स किडनैप हो चुका है। और तभी वहां एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है फू, जो खुद को ट्रंक्स का फ्रेंड बताता है। वो सबको बताता है कि ट्रंक्स को किडनैप करके प्रिजन प्लेनेट पर ले जाया गया है, जो प्लेनेट प्रेजेंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। गोकू, वेजिटा और माए फू के साथ उस प्रिजन प्लेनेट पर चले जाते हैं। दूसरे प्लेनेट पर पहुंचते ही वो सब एक बहुत पावरफुल एनर्जी को अपने पास आता हुआ सेंस करते हैं, जो एनर्जी एक दूसरे डायमेंशन से आए जेनो गोकू की होती है, जो आते ही सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गोकू जेनो गोकू से लड़ने के लिए खुद को सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और दोनों एक दूसरे की पावर को मैच करते हैं। अब जेनो गोकू से लड़ते हुए गोकू रियलाइज करता है कि प्रिजन प्लेनेट पूरे तरीके से सील्ड है और इसी वजह से वो दोनों ज्यादा ऊपर उड़ भी नहीं सकते। अब दोनों गोकू एक दूसरे की तरफ कामेहामेहा फायर करते हैं, लेकिन ये सब सुपर सैयन 4 गोकू का प्लान होता है प्लेनेट के बैरियर को तोड़ने का, जो अल्टीमेटली काम नहीं आता। इसके बाद फू रिवील करता है कि ये प्रिजन प्लेनेट उसका एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जहां वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को आपस में लड़वाता है और ट्रंक्स को भी उसी ने किडनैप किया है, जिससे गोकू और वेजिटा भी इस प्लेनेट पर आ जाएं। अब इस टाइम तक ये भी रिवील हो जाता है कि सुपर सैयन 4 गोकू दूसरे डायमेंशन से है और वो जानकर प्रिजन प्लेनेट पर कैप्चर होता है ताकि वो फू को पकड़ सके। इसके बाद फू वहां से जाने लगता है और जाते जाते सबको बताता है कि ट्रंक्स को वो लोग खुद ढूंढे, और यहां से निकलने के लिए उन्हें 7 ड्रैगन बॉल्स चाहिए होंगी, जिसमें से एक ड्रैगन बॉल जेनो गोकू के पास है और बाकी 6 दूसरे वॉरियर्स के पास। अब इसके बाद एक प्रिजन में ट्रंक्स को दिखाया जाता है, जिस प्रिजन के गेट्स अपने आप खुल जाते हैं। जब ट्रंक्स वहां से निकलता है तो वो मिलता है फ्रीजा के भाई कूलर से, जो ट्रंक्स से ड्रैगन बॉल्स मांगता है। अब फू वेजिटा और गोकू के अगेंस्ट लड़ने के लिए ईवल सैयन कुंबर को रिलीज करता है। अब कुंबर को देखते ही गोकू कुंबर की तरफ जाने लगता है और कुंबर की पावर से करप्ट होकर खुद भी ईवल बन जाता है और वेजिटा पर ही अटैक करने लगता है। और तभी वहां कूलर और ट्रंक्स आ जाते हैं और ट्रंक्स बताता है कि कूलर उन्हीं की साइड है। अब कूलर अपनी पावर को इंक्रीज करता है और गोल्डन कूलर बन जाता है और गोकू पर अटैक करता है, जिस अटैक से गोकू नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद माए गोकू और वेजिटा को पोटाराई रिंग्स देती है और ट्रंक्स उन दोनों को टाइम देने के लिए खुद कुंबर से लड़ना स्टार्ट करता है और कुंबर बहुत इजीली उसे डोमिनेट करता है, लेकिन तब तक गोकू और वेजिटा फ्यूज होकर वेजिटो बन जाते हैं। अब वेजिटो बहुत इजीली कुंबर के अटैक्स को न्यूट्रलाइज करके उसे हर्ट करता है, लेकिन कुंबर अपनी क्लॉ से वेजिटो पर सक्सेसफुली अटैक करता है। इसके बाद वेजिटो सुपर सैयन ब्लू कायोकेन का यूज करता है और कुंबर की पावर्स को मैच करता है। कुंबर अब एक एनर्जी ब्लास्ट बनाता है, जिसे काउंटर करने के लिए वेजिटो फाइनल कामेहामेहा फायर करता है। अब बहुत स्ट्रगल करने के बाद वेजिटो के अटैक्स कुंबर के अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं
और उन अटैक्स की वजह से प्रिजन प्लेनेट की चेन का एक सेक्शन टूट जाता है। अब कुंबर एक पावर बॉल क्रिएट करता है जिससे वो एक ग्रेट एप बन जाता है। इसके बाद वो वेजिटो पर अटैक करता है और गोकू और वेजिटा स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट होने के बाद वो दोनों कुंबर की टेल काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुंबर की स्पीड के आगे वो कुछ नहीं कर पाते। कुंबर गोकू को अपनी फीट के नीचे क्रश करने लगता है और वेजिटा और ट्रंक्स कुंबर पर अटैक करते हैं, लेकिन कुंबर पर उसका कोई असर नहीं होता। गोकू फिर खुद को सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कुंबर के फुट के नीचे से निकल जाता है। उसके बाद वो कायोकेन टाइम्स 20 का यूज करता है और कुंबर पर अटैक करता है, लेकिन कुंबर पर उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। फू जब देखता है कि इस बैटल की वजह से प्लेनेट के बैरियर्स टूटने लगते हैं तो वो वहां जाकर बैटल को रोक देता है। फू बहुत इजीली अपनी पावर्स का यूज करके कुंबर पर अटैक करता है, जिससे कुंबर अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसके बाद वो सबको फाइट कंटिन्यू करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अब गोकू सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कुंबर के अगेंस्ट लड़ना शुरू करता है, लेकिन कुंबर बहुत इजीली उसे डोमिनेट करता है। अब कुंबर गोकू पर बहुत सारे ब्लास्ट करते हुए उसे अनकॉन्शियस कर देता है। बैटल की वजह से प्लेनेट की चेन्स पूरे तरीके से टूट जाती हैं। अब कुंबर गोकू को बस मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा आ जाते हैं और गोकू को बचा लेते हैं। अब कुंबर उन दोनों के अगेंस्ट पावर अप करता है और ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा पोटारा रिंग्स का यूज करके वो सुपर सैयन 4 ज़ेनो वेजिटो बन जाते हैं। अब कुंबर अपनी एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है, जिसे ज़ेनो वेजिटो कामेहामेहा से काउंटर करता है और वो फाइनली कुंबर के अटैक्स को ओवरपावर करते हैं और उसे बैटल में हरा देते हैं। प्लेनेट के बैरियर्स पूरे तरीके से टूटने की वजह से वहां फू दोबारा आ जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है। ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा का इस टाइम तक फ्यूजन खत्म हो जाता है और वो दोनों फू के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फू उन दोनों को ओवरपावर करता है। कुंबर इतनी देर तक वापस होश में आ जाता है और पावर अप करता हुआ हर तरफ की ब्लास्ट करता है और फू स्काई की तरफ देखता है और बोलता है कि उसका ऑब्जेक्टिव अब पूरा होता है और वो जल्द ही वापस आएगा। और ये कहकर फू खुद को बैटलफील्ड से टेलीपोर्ट कर लेता है और कूलर उसके पीछे चला जाता है। अब ज़ेनो गोकू और वेजिटा कुंबर के अटैक्स को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पावर के आगे वो कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद गोकू अचानक से होश में आ जाता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को वापस रीगेन करता है। कुंबर गोकू पर अटैक्स करता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक्स को काउंटर करते हुए उसे सक्सेसफुली अटैक कर पाता है। अब इतनी देर में ज़ेनो गोकू बाकी के ग्रुप को बचाने के लिए वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है और गोकू कुंबर पर कामेहामेहा फायर करता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन उस अटैक की वजह से स्काई में जो प्लेनेट होता है उस पर एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ जाता है और उसमें से फ्यूज्ड ज़ामासू निकलता है अपने कुछ साथियों के साथ और वो कुंबर को वहां से लेकर चला जाता है।